फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट। नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस हमारे डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर। आज हम आपके साथ तीन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। वन इज स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, दस अराउंड वन नीति आयोग ने निकाला है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक वॉट इज नीति आयोग, ठीक है, से लेकर प्लानिंग कमीशन। वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट COP 21 और COP 26 में क्या हुआ, इंडिया की तरफ से क्या क्या कमिटमेंट है। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जो बहुत काम का है, जो नहीं पढ़े उनके लिए बड़ी बड़ी नई नई इन्फॉर्मेशन। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन प्ली विच इज सेंट टू सुप्रीम कोर्ट अबाउट यू कैन से स्ट्रीम लाइनिंग चाइल्ड एडोप्शन यू कैन से प्रोसेस। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द चाइल्ड एडोप्शन लॉ इन द कंट्री। कुछ महत्वपूर्ण चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको मजा आएगा, ठीक है, आपको लगेगा ओ दैट्स अ न्यू थिंग। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट पेटेंट फाइलिंग रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि भारत में पेटेंट फाइलिंग बढ़ चुका है, ठीक है, इन द लास्ट 7 years इट इज इंक्रीज यू कैन से बाई 50%, दैट्स ह्यूज। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज पेटेंट, व्हाट इज यू कैन से GI टैग, व्हाट इज यू कैन से कॉपीराइट, व्हाट इज ट्रेडमार्क, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। बट दैट्स यू कैन से दैट कैन वेट। We are going to discuss about State Energy Climate Index Round 1 published by Niti Aayog. But usse pehle is channel ko subscribe karne ka bhuliyega mat, hamare you can say is video ko like karne ka bhuliyega mat. Don't miss out to become a member of our channel. That's very important, okay? Because being a member, you are going to get lot of privileged videos. Yes, that's a you can say important part you are going to get. So let's start to talk about what is this, again say State Energy and Climate Index. Dosto, State Energy Climate Index is published by Niti Aayog. The main aim of this index is to track the efforts put in by states and the union territories. Dosto, aapko ye to samajh mein aa chuka hoga ki climate change is in thing, it is happening, okay, and thereby everyone is working towards reducing the impact of climate change. सब लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हर एक स्टेट काम कर रहा है, पर ये समझिए कि हमारी डे टू डे की जो जरूरत है उसके सामने क्लाइमेट चेंज के एफर्ट उतने बड़े नहीं हो पाते, क्योंकि हमें एक तरफ इकोनॉमी की बात करते हैं और एक तरफ इकोलॉजी की बात करते हैं, दोनों को बैलेंस करना बिकम्स वेरी चैलेंजिंग, ठीक है, बिकॉज व्हाट हैपेंस व्हेन वी गो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, it becomes costly affair. So countries like India, which is not a very rich country, it becomes very difficult for a country like India to manage that. However, ठीक है, ये जो index आया उसमें top 3 performer कौन थे, ठीक है, और ये top 3 performer concept parameter के ऊपर उन्होंने निकाले थे, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि climate change performance index CCPI 2022 निकला था, उसमें टॉप 10 कंट्रीज थे, उसमें इंडिया का नाम था। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, विच मींस क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो परफॉर्मेंस करना चाहिए उसमें कौन सबसे आगे था, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट, ओके, ठीक है। दोस्तों, ये रहे आपके टॉप परफॉर्मर, कौन है टोटल, इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैरामीटर्स के ऊपर इन स्टेट्स को रैंक करा। जो बड़े स्टेट्स है उनमें पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे केरला और तीसरे नंबर पे पंजाब आया। क्या क्या पैरामीटर है, डिस्कॉम परफॉर्मेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। दोस्तों, ये समझिए, डिस्कॉम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फर्म्स, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ नए रूल्स आने वाले हैं कि जब अब आपके शहर में जो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी ऐसा नहीं होगा, देयर विल बी मोर फर्म्स, सो यू विल बी इन अ पोजिशन टू डू पोर्टेबिलिटी लाइक मोबाइल फोन पोर्टेबिलिटी, इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी, आप ये करने के काबिल होंगे। दैट्स अ फर्स्ट थिंग, डिस्कॉम परफॉर्मेंस। नंबर टू, एक्सेस, एफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, कितना ईजी एक्सेस है, कितना एफोर्डेबल है, कितना रिलायबल है, ठीक है। सो अचानक से आपके यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है क्या, ठीक है, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। सो गुजरात बींग नंबर वन गिविंग वेरी गुड रिजल्ट, हाउएवर इस पूरे पैरामीटर में केरला इज नंबर वन इन टर्म्स ऑफ एक्सेस एंड एफोर्डेबिलिटी। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, विच इज ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्लीन एनर्जी में क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी कितने अच्छे से कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर मशीनरीज, देर आर इक्विपमेंट्स, देर आर टूल्स आर यूज फॉर एनर्जी एफिशियंट यूज,
एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू इनिशिएटिव, ये आपके 6 पैरामीटर है। टॉप 3 परफॉर्मर कौन? गुजरात, केरला एंड पंजाब। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट स्मॉल स्टेट्स, उसमें टॉप 3 परफॉर्मर कौन? गोवा, त्रिपुरा एंड मणिपुर, ठीक है। वाइल सबसे बुरे परफॉर्मेंस में रहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड झारखंड सबसे पुअर रहे। दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो ग्लासगो में हुआ था, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुआ था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें इंडिया की तरफ से हमने 5 मुद्दे रखे, 5 पॉइंट, ठीक है। मोदी साहब ने इसको बोला पंचामृत है, ठीक है, पंच अमृत है, एलिक्सीर है, ठीक है। हमने बोला दैट वी विल, यू कैन से व्हाट विच आर द 5 पॉइंट्स वी टॉक्ड अबाउट। नंबर 1, दैट इज नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल रीच टू 500 गीगावाट बाई 2030, नोट किया जाए, ठीक है, नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कितना पड़ेगा? 500 गीगावाट। नंबर 2, 50% इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विल बी डिराइव्ड आउट ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बाई 2030, ठीक है। इंडिया विल बिकम, यू कैन से, नेट जीरो बाई 2070, ठीक है। टोटल कार्बन एमिशन विल बी रिड्यूस्ड टू 1 बिलियन बाई 2030। दिस आर द काइंड ऑफ कमिटमेंट्स वर बींग मेड बाई इंडिया। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ग्रेट, ठीक है। दोस्तों ये जो टर्म्स टर्मिनोलॉजी हम सीख रहे हैं, ठीक है, विच इज क्लाइमेट चेंज, तो आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज करके एक बॉडी होती है, ठीक है, जिन्होंने 2015 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस योजी थी, विच इज नोन एज COP 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 पेरिस में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिस अग्रीमेंट केम इन टू द फोर्स फ्रॉम 4th नवंबर 2016, 2015 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, पेरिस में, और वो इम्प्लीमेंट हुई 4th नवंबर 2016 में, ओके। और क्या कमिटमेंट दिया गया था? दैट वी वांट टू रिड्यूस ग्लोबल टेम्परेचर बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देयर विल बी, यू कैन से, ग्लोबल ग्रीन फंड, ओके, या क्लाइमेट ग्रीन फंड या ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF $100 बिलियन का एवरी ईयर करेंगे, ठीक है। दोस्तों ये सब बातें हो रही है क्लाइमेट चेंज के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट देन द क्लाइमेट चेंज इज दिस, यू कैन से, इश्यू फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये जो रिपोर्ट निकाला है वो निकाला है नीति आयोग ने। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग एक थिंक टैंक है, ठीक है, इसने रिप्लेस किया था प्रीवियस नॉन स्टेचुटरी बॉडी विच इज नोन एज प्लानिंग कमीशन। दोस्तों एक प्लानिंग कमीशन था विच इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, कोई स्टेच्यूट नहीं बनाया था, ठीक है, और कोई भी ऐसी बॉडी नहीं थी प्लानिंग कमीशन जो इंडिया में 5 साल के प्लानिंग करते थे, ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट करते थे, ठीक है, पूरे देश के लिए। स्टेट गवर्नमेंट का होता था नहीं होता था पता नहीं, कोई स्टेट गवर्नमेंट उसके साथ मैच कर पाता था उसका भी कोई पता नहीं, बट हाउएवर 5 ईयर प्लान, ऐसे 12 5 ईयर प्लान आए इंडिया में। व्हेन मोदी साहब केम इन 2014, ही चेंज दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम, अगेन से, प्लानिंग कमीशन, ही ब्रॉट नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, इट इज अ थिंक टैंक, इट इज ऑब्वियसली नॉन स्टेचुटरी बॉडी, इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऐसा कोई बॉडी नहीं है। थिंक टैंक बोलने की वजह से फर्क पड़ जाता है, इट हैज अ वाइडर एक्सपर्टाइज कैन बी टेकन। नाउ व्हाट यू शुड नो अबाउट दिस इज थिंक टैंक नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन इज एन एक्स ऑफिशियो पोजिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स ऑफिशियो पोजिशन? एक्स ऑफिशियो का मतलब है बाई द वर्च्यू ऑफ वन ऑफिस दैट पर्सन बिकम्स होल्डर ऑफ द अनदर ऑफिस। सो दैट मीन्स एनी वन हु इज द होल्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस will automatically become chairman of Niti Aayog, okay? Aisa ho jayega. Is that clear to everyone? Great. Who's a vice chairperson? Dr. Rajiv Kumar. Full-time member is V.K. Saraswat, Professor Ramesh Chand and Dr. V.K. Paul, okay? And there are few other ex-officio members are also available. I hope it is very clear to everyone. Great. So what is the difference between Niti Aayog and the Planning Commission?
Planning Commission was an extra constitutional body. It had limited expertise. They were participating in 5-year plan. ठीक है, और इस तरीके से एक्टिविटी होती थी. वहां पे अप्रोच था टॉप डाउन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा और वहां पे नीचे जाएगा. नीति आयोग इज एन एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, जिसका काम है अलग अलग तरीके के एक्सपर्टाइज लेकर आना और अलग अलग स्टेट को इनकॉर्पोरेट करते हुए आगे चीजों को बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, देश के लिए फंड के लिए प्लान करना, डेवलपमेंट के लिए प्लान करना, हर तरीके का, ना सिर्फ अगेंस्ट एनवायरमेंट बट हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन रिडक्शन, क्राइम रिडक्शन, सबके लिए काम करना. दैट इज व्हाट दिस पॉलिसी मेकिंग फॉर्म इज वर्किंग ऑन. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट गेव एन आइडिया दैट लुक वी आर ब्रिंगिंग वन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज स्ट्रीमलाइनिंग चिल्ड्रन एडॉप्शन प्रोसेस. दोस्तों भारत में बच्चों का एडॉप्शन इज वेरी ट्रिकी, लेंथी, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इट इज लेबरिंदाइन प्रोसेस. कैसा प्रोसेस है? लेबरिंदाइन. ओके, मजेदार सा वर्ड है ना, लेबरिंदाइन, है ना, लेबरिंदाइन. ओके, दैट इज अ प्रोसेस विच इज मेजी, कॉम्प्लेक्स है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई, वी आर गोइंग टू हियर द प्ली फॉर सिंप्लीफाइंग द एंटायर आइडिया. दोस्तों भारत में जितने बच्चे एडॉप्शन के लिए अवेलेबल है उससे कम उसको लेने वाले पेरेंट्स है. दोस्तों ये डिमांड सप्लाई प्रॉपर वे में मैच होना चाहिए. अगर प्रॉपर वे में मैच नहीं होगा तो वी हैव मोर चिल्ड्रन हु डोंट हैव अ गुड फ्यूचर, ठीक है, दे आर इन एन ऑर्फनेज, ठीक है, वाइल देयर आर सो मेनी यू कैन से यंग कपल दे आर स्टिल इंटरेस्टेड टू एडॉप्ट पीपल. But somehow the other way, there is a gap, administrative gap, information gap, trust gap, okay, legal gap, lot of gaps are there and thereby it is very important that Supreme Court looks at this scenario. Dosto, ye samajhiye that there are certain bodies which are working in the country with respect to adoption. One of them is called CARA, jo aapke samne yahan pe logo dikh raha hai, Central Adoption Resource Authority, that is CARA. है ना, जिस ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नोट किया जाए. दोस्तों आपको पता होगा आपके एग्जाम में आपको ये बॉडी कैसी है ऐसा सवाल पूछा जाता है. यस और नो? सो यू मस्ट नो दैट इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. व्हाट यू मीन बाय स्टैट्यूटरी बॉडी? इट कम्स फ्रॉम अ स्टैट्यूट. ओके, सो दोस्तों कारा फोकस करता है कि बच्चों का एडॉप्शन कैसे हो. बट इन लास्ट 4 to 5 ईयर व्हेन द चिल्ड्रन आर एडॉप्टेड दे वर रिटर्न, रिटर्निंग ऑफ चिल्ड्रन हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, दैट नंबर हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, जो बुरी बात है कि बच्चे अडॉप्ट करके तो लेकर गए वो वापस देने आ गए, ठीक है, द पेरेंट्स हैव रिटर्न दोस चिल्ड्रन, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज ऑल्सो बींग रेज. अनदर प्रॉब्लम इज द ऑर्फन्स, दैट इज द ऑर्फन चिल्ड्रन आर मैन्युफैक्चर्ड. यस, यू हैड इट राइट, दे आर मैन्युफैक्चर्ड. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय मैन्युफैक्चर्ड? चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है, जानबूझ के बच्चों को पैदा किया जाए इसलिए ताकि वो ऑर्फनेज में बेचा जाए और ऑर्फन में बेचकर पैसे कमाए जाए. तो बहुत सारी ऐसी गलत गलत चीज़ें होती है. भारत में कोई लॉ है क्या? बिल्कुल, देर इज़ अ लॉ अवेलेबल विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड एडॉप्शन, दैट इज द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. काफ़ी पुराना एक्ट है, ठीक है. दिस लॉ वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर हिंदूज, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, ठीक है, उनके लिए ये एडॉप्शन है. जो नॉन हिंदू थे, अगर उनको बच्चे एडॉप्ट करने थे, नॉन हिंदू दैट मीन्स बुद्ध, सिख, जैन नहीं है, उन लोगों के लिए क्या लॉ था? उन लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ तो था नहीं. 1980 में गार्जियन एंड वार्ड एक्ट GWA लगाया गया, जिसको लेकिन से निकाल कर एक नया लॉ 2015 में एडॉप्ट किया गया, विच इज़ नोन एज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन लेकिन से ऑफ चिल्ड्रन एक्ट. नाउ दिस इज वेरी ब्रॉड एक्ट. It is not just about adoption. If you go by the preamble, it says the an act to consolidate and amend law relating to children alleged and found to be in a conflict with law. Jo bhi bacche law ke conflict mein and children in the need of care and protection by catering to their basic need through proper care and protection, development, treatment, social reintegration by adopting a child-friendly approach and सो एंड सो फोर्थ. सो बेसिकली उन बच्चों के लिए जिनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है, जुवेनाइल इज दैट ब्रॉड, है ना, जो क्राइम में फंसे बच्चे या जिनका लेकिन से पेरेंटेज की क्लैरिटी नहीं है,
या उनको उनको छोड़ दिया गया, ऑर्फनेज में छोड़ दिया गया, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये जुवेनाइल लेकिन से जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट एस्टैब्लिश किया गया 2015 से। सो जो लोग हिंदू धर्म के नहीं हैं, विच मीन्स हिंदू बुद्धिस्ट सिख और जैन नहीं है, दे कैन एडॉप्ट चिल्ड्रन थ्रू दिस पर्टिकुलर लॉ। ओके ग्रेट, सो नाउ वी गो एंड टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज इन लास्ट सेवन ईयर्स ठीक है, इन इंडिया पेटेंट फाइलिंग्स हैव इंक्रीज ड्रास्टिकली, इट हैज इंक्रीज बाई 50%, दैट इज ह्यूज, है ना, कितना बढ़ गया, 50% से बढ़ गया, दैट इज रीजनेबली ह्यूज। सो वी मस्ट यू कैन से क्वेश्चन वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज यू कैन से व्हाट इज दिस पेटेंट्स आर, व्हाट आर कॉपीराइट, व्हाट आर ट्रेडमार्क, व्हाट आर डिजाइन। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दैट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के मुताबिक जो ग्लोबल इनोवेटिव और इनोवेशन इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक है 46th इन 2021। दोस्तों ये आप डेली करंट अफेयर अगर आप अटेंड करते हो तो ऐसे छोटे छोटे टिटबिट्स आपके लिए बड़े काम के हो जाएंगे जो एग्जाम में आपको मदद करेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो इंडिया का रैंक 46th है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पेटेंट। पेटेंट्स आर फॉर इन्वेंशन, नॉट जस्ट स्मॉल इनोवेशन बट ड्रास्टिक बिग इन्वेंशन, इन्वेंशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन्वेंशन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस। आपने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, दैट इज इन्वेंशन। आपने प्रोसेस में चेंज किया, लाइक कोरोना वैक्सीन, यस नो, देयर आर सो मेनी वैक्सीन्स, ऑल ऑफ देम आर वैक्सीन्स बट दे आर डेवलप्ड थ्रू डिफरेंट प्रोसेस। सो देयर इज ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका, देयर इज अगेन से सम अदर वैक्सीन, इंडिया की अपनी कोवैक्सीन। तो ये सब क्या है, प्रोसेस अलग कर दिया, एंड गेम सेम है। सो दैट इज कॉल्ड पेटेंट, दैट इज अवेलेबल फॉर टू थिंग्स। कॉपीराइट इज अवेलेबल फॉर लिटररी ऑब्जेक्ट, आर्ट वर्क, पोएट्री, बुक, म्यूजिक, है ना, ये आपका कॉपीराइट आता है ना। एड शरीन का जो केस था वो कॉपीराइट के साथ कनेक्टेड था। ट्रेडमार्क, ये सुनो, ट्रेडमार्क इज मेजरली फॉर नेम, सिंबल, ठीक है, उसके लिए अवेलेबल है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, है ना, नेम सिंबल, है ना, उसके लिए अवेलेबल है ट्रेडमार्क। सो कोका कोला का ट्रेडमार्क, मैगडी का ट्रेडमार्क, नाइकी का ट्रेडमार्क, देन देयर इज अ डिजाइन, ठीक है। सो मेनी टाइम्स द डिजाइंस आर ऑल्सो यू कैन से प्रोवाइडेड एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। भारत में अभी तक करीबन 350 के आजू बाजू आइटम्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, ठीक है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज़ ह्यूज। दार्जिलिंग टी से लेकर, ठीक है, कच्छ का बंदेज से लेकर, एक ऐसे पाटन के पटोले से लेकर, मैसूर सिल्क से लेकर, मैसूर पकवान से लेकर, ठीक है, उड़ीसा का रसगुल्ला से लेकर, बहुत सारी चीज़ों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। हाउएवर इट इज़ नॉट गिवन टू वन इंडिविजुअल, इट इज़ अवेलेबल टू पब्लिक एट लार्ज ऑफ दैट ज्योग्राफी। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ग्रेट, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई थिंक दिस इज वंडरफुल, आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत। टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।